बेगूसराय जिले के चेहिया बरियारपुर प्रखंड क्षेत्र की आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 151 शिबरी पर मंझौल पंचायत 4 की सेविका के द्वारा आयोजित ग्राम वार्ता और गोद भराई कार्यक्रम का पीरामल स्वास्थ्य के बीटीओ दीपक मिश्रा, महिला पर्यवेक्षिका श्रुति ऋचा, पोषण अभियान के पारस कुमार के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर पीरामल स्वास्थ्य के बीटीओ दीपक मिश्रा और महिला पर्यवेक्षिका श्रुति ऋचा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को जैसे ही गर्भ का पता चले उन्हें अतिशीघ्र रजिस्ट्रेशन करवाना है तथा टीकाकरण, आयरन, कैल्शियम का सेवन जैसे हरे पत्तेदार साग सब्जियां, मांस, मछली, दूध, दही, दलहन पदार्थ का भरपूर मात्रा में सेवन करने के साथ साथ प्रसव पूर्व कम से कम 4 जांच नियमित रूप से कराने की भी सलाह दी गई है। वहीं साफ सफाई के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की गई, साथ ही शिशु के जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का गाढ़ा पीला दूध शिशु को पिलाने का सलाह दिया गया। वहीं प्रथम बार हुई गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, कन्या उत्थान योजना एवं JSY योजना की भी विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि प्रथम बार हुई गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत 3 किस्त करके 5,000 रुपये पौष्टिक आहार, फल आदि के लिए लाभार्थी के खाते पर भेजा जाता है, जिसका अधिक से अधिक लाभार्थी लाभ अवश्य उठाएं। मौके पर आंगनवाड़ी सेविका रूबी खातून, सुलोचना कुमारी, रेखा कुमारी, ममता कुमारी आदि मौजूद थी। बीडी न्यूज बिहार के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट। समाज के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए, लाभार्थी को पता चले कि गोद भराई उत्सव क्यों मनाया जाता है, आखिर क्या इसका पर्पस है, क्या उद्देश्य है इसका, गोद भराई का। गोद भराई का उद्देश्य है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का पोषण सही ढंग से हो सके, माता जान सके कि हमारे गर्भ में जो बच्चा है वो मतलब कैसे सही उसका पालन पोषण कैसे करना है, बच्चा स्वस्थ पैदा हो तो इसके लिए माँ को कैसे खान पान करना खाना है, खाना किसी भी प्रकार का आहार लेना है, इसके लिए ग्राम वार्ता क्या अपने उद्देश्य में सफल है, क्या जागरूकता हो रही है इससे। हाँ, जागरूकता हो रही है, बहुत जागरूकता है, क्योंकि ग्राम वार्ता विभिन्न विषयों को लेकर किया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य सफल हो रहा है क्या। हाँ,